आज आप स्मार्ट लग रहे हो। यहाँ लोगों को लटका के मारता सबको देखो। कैसे हो आप लोग, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। तो आज है बैक डे, तो बढ़िया बैक एंड बाय सेशन मारते हैं। उसके बाद हम जाने वाले हैं वेल्स, तो वेल्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें आज देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला है एक हॉन्टेड कासल लेके जाने वाला हूँ आप लोगों को, और दूसरा जो स्मॉलेस्ट हाउस इन यूके वो भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो पहले जल्दी से वर्कआउट ख़त्म करते हैं एंड लेट्स हेड टू वेल्स। आ चुके हम वेल्स, तो यहाँ कॉनवे आए हैं कासल देखने के लिए। तो हमारे पास बस थोड़ा टाइम है, 30 मिनट का टाइम है, क्योंकि हम थोड़ा लेट पहुँचे थे। तो जितना आप लोगों को ये कासल दिखा सकता हूँ आप लोगों को दिखाऊंगा, और आप लोगों को बहुत मज़े आने वाले हैं। अभी हम सबसे ऊपर आ चुके हैं टॉप में, तो ये पूरा सिटी यहाँ से नज़र आता है, क्योंकि हम सबसे टॉप है कासल का। और अब हम वापस नीचे जा रहे हैं। सीढ़ियाँ बहुत हैं यहाँ। ये जगह था जहाँ लोग टट्टी करते थे। यहाँ नीचे वो नीचे गिराते थे, तो ये डेंजरस है। नहीं तो ऐसे बैठते ऐसे बैठते यहाँ हुई है बारिश खतरनाक, और तुम्हारे भाई ने पहने सफेद जूते। साला घर जाके साफ करना पड़ेगा। वो जगह जहाँ लोगों को फांसी चढ़ाते थे ऊपर, अगर आप देख सकते हो, यहाँ लोगों को लटका के मारते थे, वो फांसी वाला एरिया था। काफ़ी ख़तरनाक है, लोगों को सीधा मौत मिलती थी। अगर आप लोग ऊपर देख सकते हो, वहाँ देख सकते हो, नहीं हाँ वो देखो, वहाँ रस्सी लगा के अंतिम संस्कार। ये जगह है बेक हाउस, यहाँ वो लोग खाना बनाते थे। देखते भाई कितना खाना क्या बनता था, कैसे बनता था देखा जाए। बनता था खाना, यहाँ बनता था प्रोटीन पिज्ज़ा। सेल्फी ले रहा है तुम्हारे भाई के साथ, सेल्फी लेने की ट्राई कर रहा है, पर कोई नहीं, मौका सबको देते, क्या बात है। चलो
बढ़िया। फोर्ट का टूर हो चुका है ख़त्म, जितना हम दिखा पाए 30 मिनट का टाइम था, फटाफट भागना पड़ा, पर कोई नहीं, पूरा तो ऑलमोस्ट दिख ही गया था। अब हम जाने वाले कुछ खाने, या तो व्यू देखो भाई क्या मस्त लग रहा है, मज़ा आ गया देख के। तो मम्मा बताओ आपको कैसा लगा फोर्ट? बहुत अच्छा लगा। फोर्ट नहीं कैसल है ये? बिल्कुल थक गए। हाँ थक गए। हाँ, पर लगा कैसा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ। अच्छा अच्छा लगा आपको फोर्ट? जबरदस्त। सॉरी कैसल है ये? जबरदस्त। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं उसी क्या कहते हैं समय के में रानी या महारानी होंगी, मुझको लग रहा था कि मेरा ही कैसल है। क्या बात है मासी। हाँ जी बिल्कुल। जिस बंदे ने की वजह से कासल का 30 मिनट में टूर हो पाया वो है ये, आ चुका है। कैसा लगा कासल? बढ़िया था। बढ़िया। इसने पहले देखा था कासल, तभी हमारा जल्दी से हो पाया क्योंकि हम बहुत लेट आए थे, नहीं तो हम वापस जाने वाले थे, पर इसने दिखा दिया। तो कमेंट्स में लिख दो अभिमन्यु पाल ओपी। आपके लिए पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर दिया मैंने, आपको घर में बैठे बैठे वीडियो दिख जाएगा। ओके। आधा सीढ़ी चढ़ गई तो लगा कि यहाँ का ब्लॉकेज चला गया, क्योंकि यहाँ बहुत ऊंचाई में चढ़ गए। तो वो ब्लॉकेज जो था वो गाढ़ा गाढ़ा जो वो आपको सलामी दे रहा था? नहीं नहीं वो एकदम क्लियर हो गया। नहीं, वो तो सलामी दे रहा था कि आप सलामी इम्मत... क्या कार्डियो हो गया आप... कार्डियो। तो पापा आ नहीं पाए क्योंकि बहुत ज्यादा चलना था सीढ़ियाँ। डैडी आपको सही बात बताऊं तो आप सही आए, बहुत ज्यादा चलना पड़ा, पर आपको कैसा लगा गाड़ी में बैठे बैठे? तो पापा को फिश एंड चिप्स खाना का बहुत शौक है, तो अभी हम वो खाने जा रहे हैं। तो आपको कैसा है, आपको बहुत भूख लग रहा है क्या? हमें भूख नहीं लग रहा, लेकिन फिश एंड चिप्स तो यहाँ का स्पेशलिटी है, इसका खाने के बिना तो जाना वापस ठीक नहीं होगा। तो अभी आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू ईट फिश एंड चिप्स? वेरी मच सो। डैडी आज आप स्मार्ट लग रहे हो। हाँ क्यों ऐसा क्यों, आज इतना सज सज के क्यों आए हो? Well, the secret of being smart is to keep yourself fit. And I'm always in the peak of fitness. Oh yeah, daddy. मैं तो तुम लोग ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोग फिटनेस की वीडियो बनाते हो, लेकिन जो बूढ़े लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं और फिट होते हैं, उनका फिटनेस का वीडियो उनसे इंस्पिरेशन लो। तो इस जगह का फिश एंड चिप्स बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो अभी हम जा रहे हैं जहाँ सबसे बढ़िया सबसे डिलिशियस फिश एंड चिप्स मिलता है, वहाँ चखेंगे और बताऊँगा मैं कैसा लग रहा है और कैसा है टेस्ट में। तो ये है द स्मॉलेस्ट हाउस इन ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ कोई टिंगा रहता था जो, ये उसका दरवाज़ा था और ये उसका घर, देखो विंडो ऊपर देख सकते हो, वो उसका बेडरूम था और ये उसका दरवाजा, ये सबसे छोटा घर इसका दरवाजा है और पूरा उसका विंडो, और ये टिंगेरा रहता था यहाँ। तो उस घर में मेरी मम्मी आराम से फिट आ गई थी, आराम से घुस गई थी। मम्मा आपने तो नहीं बनाया वो घर? मम्मा आपके कैप से भी मैचिंग कर, पिछले जन्म में, पिछले जन्म का है और आपके कैप से भी मैचिंग कर रहा है वो। हाँ। है ना। पहुँच चुके हैं रेस्टोरेंट जहाँ फिश एंड चिप्स मिलता है, तो हम ऑर्डर दे चुके हैं,
और 3 फिश एंड चिप्स को ऑर्डर दे चुके हैं, 2 बर्गर्स भी हैं। तो आने दो, फिर ट्राई करते हैं, देखते हैं कि यहाँ का जो फेमस है फिश एंड चिप्स वाकई में टेस्टी है या नहीं। तो फिश एंड चिप्स आ चुका है, मैं थोड़ा सॉस डाल रहा हूँ, दिखा देता हूँ तुम्हें। तो ट्राई करते हैं, यहाँ थोड़ा नमक डाल देते हैं फिश पे, ज़्यादा डल गया। अब ट्राई करते हैं ये फिश, बढ़िया, बहुत ही था। यहाँ का जो ये बेस्ट डिश है यहाँ का, एंड इट्स वर्थ इट ब्रो। डैडी बताओ कैसा लग रहा है आपको? हाँ डैडी, अरे बता तो दो लग कैसे रहा है आपको, तो फोकस दिए फिश पे। वेरी गुड, बढ़िया लग रहा है। नॉट द बेस्ट, वन द बेस्ट फिश एंड चिप्स आई हैड। मजा आ गया, वेरी डिलीशियस, परफेक्ट क्विजीन। मज़ा आ गया, भूख भी बहुत लग रहा था, बहुत चलना पड़ा वो क्लासेस में, भूख बहुत था, मेरा पेट भरेगा। फिश एंड चिप्स खा लिया है, अब हम घर जा रहे हैं। तो डैडी कैसा लगा आपको? मज़ा आ गया, बहुत मज़ा। चलो नाउ यहीं ब्लॉग एंड करते हैं। सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल बी सीइंग यू गाइस नेक्स्ट टाइम।